तो मैं बताता हूँ पहले प्लांट डिस्पोजल के बारे में एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर। पहला लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे वैल्यू ऑफ मशीनरी 2017 और 2016 10 लाख और 5 लाख, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जस 1 लाख और 50,000, द डेप्रिसिएशन चार्ज रुपीज 60,000 एंड वन ऑफ द अबव मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख, बुक वैल्यू एट ए प्राइस ऑफ 60,000 and on which depreciation charge ₹30,000, ठीक है, computation ऑफ मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड प्लांट डिस्पोजल। तो पहले बताते हैं हम मशीनरी, पार्टिकुलर्स, टू बैलेंस बीडी 10 लाख, नो सॉरी 5 लाख, और बाय बैलेंस सीडी 10 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसका बैलेंस है बाय बैलेंस पीडी 50,000 एंड टू बैलेंस सीडी 1 लाख, ठीक। अब एक बनाते हैं हम प्लांट एंड डिस्पोजल अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ हम बनाते हैं प्लांट को बेचने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, नॉट एनी अदर, ठीक है। तो देखो मशीनरी में पहले देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन टोटल चार्ज कितना कर रहे हैं हम, 60,000 एंड वन ऑफ द अबव मशीनरी सोल्ड। तो पहले देखो
जो मशीनरी सोल्ड की जा रही है उसकी बुक वैल्यू कितनी है उसको डाल देते हैं हम प्लांट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में। ये अकाउंट सिर्फ इसीलिए बनता है ताकि हम उसको बेच सकें, ठीक। और जितने की टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कितना 60,000, तो इसको डाल देंगे हम पीएनएल में 60,000। अब देखो हम मशीनरी की बुक वैल्यू थी 1,00,000, बेच रहे हैं 60,000 में, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 30,000, ओके डन। तो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उस मशीनरी पे उसे डाल देंगे प्लांट डिस्पोजल में 30,000। सॉरी हम ले लेते हैं इस 60,000 की जगह 80,000 ले लेते हैं इसको, ठीक है 80,000। तो यहाँ पे 80,000 आ जाएगा, ठीक 80,000 आ गया। तो ये आपका ये अकाउंट भी मैच हो जाएगा एक तरह से, हमेशा ये अकाउंट मैच होता ही होता है क्योंकि इस साइड और ये साइड कमी ना कमी मिला के पीएनएल आएगा और ये हो जाएंगी डन। अब प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, हमने ऊपर प्लांट अकाउंट में मशीनरी अकाउंट में प्लांट डाला था, मतलब प्लांट डिस्पोजल में 1,00,000 और ये 30,000 यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैंक जितने में सोल्ड कर रहे हो। सोल्ड कितने में कर रहे थे आप 60,000 में, और बैलेंस क्या आएगा पीएनएल 10,000 डन। आपका ये अकाउंट में मैच। अब देखते हैं मशीनरी अकाउंट, यहाँ 5,00,000, यहाँ पे 1,00,000 डिस्पोजल में और 10,00,000 बैलेंस सीडी। तो आपका यहाँ पे बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, मशीनरी बैंक से परचेज कर लेंगे कितनी 6,00,000 डन। ये डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ सहूलियत के लिए बनाया जाता है और कोई मोटिव नहीं है इसका, ये सिर्फ वैसे ही अकाउंट है जैसे हम पहले करते थे। बस वहाँ क्या करते थे हम जो मेन डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वहीं दिखा देते थे, जितने में सेल हुई 60,000 में सेल हुई जो वो भी हम यहाँ दिखा देते थे। पीएनएल जो लॉस में आया हमारा यहाँ पे पीएनएल लॉस है उसको भी हम यहाँ दिखा देते थे, और जो बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल मैच हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं सेम आएगा, ठीक है। तो यही थी चीज़ थी समझाने के लिए बस, ओके डन।